चलिए अब हम करने जा रहे हैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग। व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव प्लानिंग? इट इज़ अ प्लान फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड से 15 or 20 years, लेस डिटेल एंड लेस कॉन्क्रीट देन प्लान्स एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड स्कीम वाइज, विच आर यूजुअली ऑफ ड्यूरेशन बिटवीन 3 and 7 years एंड लेस एब्स्ट्रैक्ट देन मेल स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन मोर और लेस सिंपल इकोमेट्रिक मॉडल्स। व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव प्लान? पर्सपेक्टिव प्लान मतलब हुआ वो प्लान जो लॉन्ग पीरियड के लिए हो, जैसे कि 15 से 20 साल के लिए अगर जो हम प्लान कर रहे हैं वो पर्सपेक्टिव प्लान कहलाता है। और मतलब ना ही कि 3 से 7 साल, मतलब कम से कम 15 और 20 साल का जो प्लान हुआ दैट इज़ कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान, लेस डिटेल्ड एंड लेस कॉन्क्रीट एंड लेस एब्स्ट्रैक्ट। ना ही एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, ना ही कॉन्क्रीट रहेगा, ना ही डिटेल रहेगा। ठीक है, जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ाना, ठीक है, ये है। अब इसको, ये क्या है, हमारा एक प्लान है, ठीक है, और ये पर्सपेक्टिव प्लान। और इस प्लान को पूरा करने के लिए हम हर 5-5 साल का छोटा प्लान करते हैं। लाइक सबसे पहला हमने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन रखा, ठीक है, उसके बाद हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रखेंगे, उसके बाद हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब है ना। तो मतलब उस बड़े प्लान को पूरा करने के लिए हम छोटा छोटा प्लान, तो दैट बड़ा प्लान मतलब जो लॉन्ग टर्म प्लान होता है कॉन्क्रीट वे में, दैट इज़ कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लानिंग। ठीक है, इट इज़ नाइदर अ फुली वर्कड आउट प्लान नॉर जस्ट अ थियोरेटिकल एक्सरसाइज बट अ फ्रेमवर्क विद इन विच कॉन्क्रीट शॉर्ट टर्म प्लान्स कैन बी फिटेड। ठीक है, ये ना ही पूरा वर्कड आउट होता है, मतलब ना ही पूरा पूरा काम आता है, ना ही थियोरेटिकल एक्सरसाइज होता है, बल्कि ये एक फ्रेमवर्क है जिसको जहन में रख कर कॉन्क्रीट शॉर्ट टर्म प्लान बनते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है? द पर्पस ऑफ द पर्सपेक्टिव प्लान इज़ टू सेट अ पर्सपेक्टिव फॉर द शॉर्ट टर्म प्लान। कहा जैसे कि क्या इसका पर्पस है, वही कि ये एक पर्सपेक्टिव बनाता है शॉर्ट टर्म प्लान्स के लिए। द शॉर्ट टर्म प्लान्स सो वर्कड आउट वुड बी सच एज टू लीड अ सर्टेन लॉन्ग टर्म रिजल्ट, और ऐसा शॉर्ट टर्म प्लान्स जिसका रिजल्ट क्या हो, लॉन्ग टर्म हो। ठीक है, दैट लीड्स टू सर्टेन लॉन्ग टर्म आउटकम या रिजल्ट। इट कैन नॉट प्लान फॉर टुमारो बट फॉर ईयर्स एंड जनरेशन। ठीक है, इट कैन नॉट प्लान फॉर टुमारो बट फॉर जनरेशंस। ठीक है, द मेजर फोकस इज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मेजर फोकस क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मीन्स डेवलपमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग और गिविंग हार्म टू द प्रेजेंट वर्ल्ड। ठीक है, इट इज़ अ ब्लू प्रिंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव एंड द टारगेट ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, लॉन्ग रन ग्रोथ के लिए एक तरह का ये टारगेट होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। द स्कोप ऑफ दिस प्लान कवर्स सोशल, इकोनॉमिक एंड स्पेशल डेवलपमेंट गोल्स, पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज रिलेटिंग टू ऑल एक्टिविटीज दैट हैव अ स्पेशल इम्प्लीकेशन। ठीक है, इसका स्कोप क्या है, मतलब इसके स्कोप ये है कि ये कवर सारे एस्पेक्ट करेगा आपके सोशल, इकोनॉमिक, स्पेशल सारे गोल को, और उसी के बेसिस पे हम छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं। ठीक है, द बेसिक पर्पस ऑफ द पर्सपेक्टिव प्लान इज़ टू प्रोवाइड अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर फर्दर डिटेलिंग एज इट सर्व एज अ गाइड। ये किसकी तरह वर्क करता है, एक गाइड की तरह, फॉर अथॉरिटी इन प्रिपरेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्लान्स। इट कॉन्साइड्स विद द टर्म ऑफ द नेशनल स्टेट 5 years प्लान। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया कि जैसे 5 year प्लान जो नेशनल स्टेट बनाती है उसमें ये कोइंसाइड हो जाता है। ठीक है, पूरे 10 साल में, मान लो 20 साल में कोइंसाइड हो गया। लिटरेसी रेट को हटाना है, अब लिटरेसी रेट को हटाने के लिए बहुत सारे कैंपेन्स हो रहे हैं, जैसे नेशनल लिटरेसी मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, वो महिला समाख्या, और ये वो है ना। तो मतलब ये क्या है, पर्सपेक्टिव प्लान क्या है, इराडिकेशन ऑफ इलिटरेसी। अब उसके लिए बहुत सारे प्लान्स बन रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, द शॉर्ट टर्म प्लान, हाँ, पर्सपेक्टिव प्लान मस्ट एग्जिबिट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हारमोनी। ये याद, ये दो चीज़ को एग्जिबिट करता है, एक हॉरिजॉन्टल हारमोनी, एक वर्टिकल हारमोनी। वॉट इज हॉरिजॉन्टल हारमोनी? ठीक है, हॉरिजॉन्टल हारमोनी मीन्स द शॉर्ट टर्म प्लान शुड शेयर सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ बोथ कॉन्क्रीट शॉर्ट टर्म प्लान एज वेल एज थ्योरेटिकल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन। ठीक है, दैट स्कीम ऑफ डिफरेंट सेक्टर शुड नॉट बॉटल नेक फॉर इच अदर। हॉरिजॉन्टल हारमोनी मतलब ये हुआ कि जो स्कीम बन रही है, जो प्लान्स बन रहे हैं डिफरेंट सेक्टर के, वो एक दूसरे के लिए बॉटल नेक ना हो। ठीक है, एक दूसरे को कोइंसाइड ना करते हों। ठीक है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल हारमोनी। ठीक है, कि शुड नॉट बी बॉटल नेक फॉर इच अदर, द स्कीम ऑफ डिफरेंट सेक्टर शुड नॉट बी द बॉटल नेक ऑफ इच अदर, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल हारमोनी। एंड वॉट इज़ वर्टिकल हारमोनी? वर्टिकल हारमोनी दैट देर शुड बी प्रोजेक्शन फॉर द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम शुड नॉट बी हिंडर। ठीक है, डिफरेंट वर्टिकल हारमोनी मीन्स डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के स्कीम शुड नॉट हिंडर।
ठीक है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग जो प्लान का प्रोजेक्शन है वो ख़राब ना हो, डैट इज़ वर्टिकल हारमोनी। मतलब वर्टिकल हारमोनी में टाइम को कंसिडर कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल हारमोनी में डिफरेंट सेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं।